हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी ए। दोस्तों, ये है वीडियो बेस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आई थिंक कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद जो टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, तो ज़रूर आप इस्तेमाल करिएगा, उसको यूज़ करिएगा, जिससे कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको लॉन्गर टाइम के लिए, काफ़ी देर तक के लिए आप उसको रिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है विजडम सीए की, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे विजडम सीए से डाउट्स पूछ सकते हैं और विजडम सीए को आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ चलते हैं वीडियो पे। और यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एबिंगस फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। हरमन एबिंगस ये साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने काफ़ी सारी मेमोरी पे स्टडीज कर रखी। तो इन्हीं के फॉर्मूला के थ्रू हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। इन्होंने एक कर्व दिया था, तो देखिए यहाँ पे यह है इनका कर्व। अब जैसे कि यहाँ पे आपने स्टडी खत्म करी, तो यहाँ पे यह है इमीडिएट की पोजीशन। अब जैसे कि आपने जैसे ही स्टडी खत्म करी, आपने जैसे ही लेसन खत्म करा, तो इमीडिएटली तो आपको पूरा याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह है आपका टाइम। जैसे ये टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो जो ग्राफ है ये ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, द ग्राफ इज फॉलिंग डाउन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे आपका 20 मिनट्स यहाँ पे खत्म हुआ, तो 20 मिनट के बाद 58% ही आप यहाँ पे रिटेन कर पा रहे हैं। देन यहाँ पे एक घंटे बाद 44% ही रिटेन हो पा रहा है। तो जैसे आपने स्टडी करी, जैसे आपने कोई लेक्चर्स अटेंड करे, या जैसे कि आपने ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो जैसे खत्म हो जाएगी और एक घंटे बाद आप देखेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं 44% ही जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे 9 आवर्स अगर हम बात करें तो 36%, देन ऐसे ही 6 दिन के बाद आप 25% ही केवल इसको रिटेन कर पाएंगे। और अगर हम बात करें, अगर आपने एक महीने छोड़ दी, तो ओनली 21%, और उसके बाद तो पूछना नहीं, धीरे धीरे आप उसको भूल जाएंगे। तो ये एक ग्राफ होता है कि अगर आप चीज़ों को रिटेन नहीं करते हैं और एक बार आपने पढ़ दिया, तो इस तरीके से ग्राफ जो है इतना तेज स्टीप करके इस तरीके से फॉल होता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर इस तरीके से भूलना शुरू हो जाएंगे तो कोई चीज़ें याद ही नहीं रहेगी आपको। बट इसका सोल्यूशन भी है, और केवल ऐसा नहीं कि किसी 1% के साथ में ही होता है, ये सबके साथ में होता है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है कि किस तरीके से आप इसको रिटेन कर पाएंगे, और क्या वो टेक्निक्स हैं जिससे कि आप उसको रिटेन कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये है फॉरगेटिंग कर्व है। तो इसके लिए क्या एक तरीके हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी हो सकती हैं जिससे कि जो भी चीज़ें आप भूल रहे हैं तो वो चीज़ें बार बार रिटेन कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने इमिडिएटली यहाँ पे आपने जो भी आपकी स्टडी है यहाँ पे आपने खत्म करी, तो खत्म करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप इसको एक बार रिवाइज करिए। यहाँ पे फर्स्ट आपको लर्न करना है, लर्निंग की बात हो रही है, मतलब जैसे आपने स्टडी खत्म करी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने ये वीडियो खत्म करी और आपको वीडियो पूरी तरीके से आपको देखना है और इसको पूरी तरीके से लर्न करना है, सब कुछ आपको इसमें देखना है, सब कुछ इसमें आपको लर्न करना है। वीडियो जैसे खत्म हुई, वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉल कर रहा है, जैसे कि आपने देखा था कि 20 मिनट्स बाद 58% हो गया था, तो उस रेशियो में ये फॉल डाउन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, एक दिन बाद केवल यहाँ पे 80% रह गया है। तो जैसे एक दिन बाद फिर से एक बार आप इसको रिवाइज करिए। यहाँ पे आपको केवल रिव्यू करना है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपने जिस टाइम पे रिमेम्बर करा था, जिस टाइम पे अपनी चीजें पढ़ी थी, तो आपने 2 घंटे लगाए थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक दिन बाद इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम किल नहीं होगा, हार्डली आपको 20-30 मिनट्स आपको लगेंगे, लेकिन चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और यहाँ पे एक दो बार जैसे आपने देख लिया, तो देखने के बाद बहुत ही चीजें सिंपल हो जाती हैं, जो चीजें आपके बार बार माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर से आपको थर्ड डे, जैसे कि आपने फर्स्ट डे यहाँ पे रिवीजन कर लिया, उसके बाद जैसे फॉल जो ग्राफ है फिर से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, देन यहाँ पे थर्ड डे आपको फिर से एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पे केवल आपको रिव्यू करना है, मतलब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने हेडिंग्स देख ली, हेडिंग्स में आपने जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपने वहाँ पे देख लिए, जिस टाइम पे आप लर्न कर रहे हैं, जिस टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जिस टाइप में आपने स्टडी करी, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि जो हेडिंग्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स पे आप हाईलाइट कर सकते हैं उस टाइम पे ही, ताकि जिस टाइम पे आप रिव्यू करें, तो रिव्यू करते टाइम पे आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी यहाँ पे रिमेम्बर हो जाएं, और जो कीवर्ड्स हैं कीवर्ड्स पे आपका ध्यान जल्दी जाए और उस तरीके से कीवर्ड्स आपको जल्दी याद हो जाएं। तो यहाँ पे फिलहाल में तो बात रही यहाँ पे थर्ड डे की, और उसके बाद आपको फिर से 6th डे आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाएंगी तो आपको धीरे धीरे जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। देन 6 डेज के बाद का भी टर्म होता है, जैसे कि 30 डेज, देन 30 डेज के बाद 60 डेज, देन 60 डेज के बाद 90 डेज, इस तरीके से इसका टर्म्स भी होता है, ताकि चीज़ें आपको भूले ना। और एक बार आपने ऐसा कर लिया तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी में जा करके बैठ जाएंगी और जल्दी भूलेंगी नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, शॉर्ट टाइम इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो आई थिंक ये जैसे कि जून में एग्जाम होने वाला है, तो जून में जिनका एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा,
बट यस, जिनका एग्जाम अभी नवंबर में है, नवंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद बात करेंगे कि जिनका एग्जाम पास में है वो सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। जैसे कि जून में एग्जाम है और आपको चीज़ें जल्दी रिवाइज करनी चाहिए, जल्दी आपको याद करनी है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, चीज़ पढ़ने के बाद आप किसी को बिठा लीजिए, चाहे छोटा आपका भाई हो या कोई भी पर्सन हो जो आपको मिल जाए, और ट्राई करिए कि उनको आप पढ़ा सके, क्योंकि जब चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप दूसरे को पढ़ा पाएंगे। तो अगर आप पढ़ा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे क्या होगा कि जैसे एक कोट भी बोला जाता है कि नॉलेज को जितना आप शेयर करते हैं तो नॉलेज उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर आप दूसरे को पढ़ा सकें, आपके भाई हो या कोई भी पर्सन हो जिसको आप बिठा करके पढ़ा सकें, आपको वहाँ पे बिठा करके उनको लेक्चर्स देने हैं और उनको बस सुनना है, तो ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। या एक और टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने पेरेंट्स को अपनी नोटबुक दे दी या भाई को अपने या सिस्टर को अपने नोटबुक आपने दे दी और उनसे आपने बोला कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो आप उसको सुनो, और कोई भी अगर इसमें गलती होती है तो आप वहाँ पर मुझे पॉइंट आउट कर दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। देन इसके बाद निमोनिक्स आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। निमोनिक्स बनाने का बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि कोई भी अल्फाबेट्स आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि कोई हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स किसी क्वेश्चन में 8-10 हेडिंग्स हैं और वो हेडिंग्स याद नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं अल्फाबेट से आप निमोनिक्स बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर आप सी IPCC ओल्ड सेरोस के हैं, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन की बहुत सारी मैंने निमोनिक्स बना रखी है, तो विजडम CA चैनल पर भी अवेलेबल भी है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी रीड कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल निमोनिक्स है। और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं आपके बहुत जल्दी इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, निमोनिक्स आप बना सकते हैं, या कहीं से अगर आपको निमोनिक्स मिल जाए तो वहाँ पे भी आप ले करके और जो चीज़ें हैं उसको आप जो हेडिंग्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी याद नहीं हो पा रही है तो वो आप चीज़ें याद कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की बात है, जो हमारा ब्रेन है तो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केवल उसी को रिटेन करता है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट ब्रेन को लगती नहीं है तो दैट किक्स आउट, ब्रेन किक्स आउट कर देता है, उसको बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पे अपने ब्रेन को आपको खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपका ब्रेन है चीज़ों को लंबे टाइम के लिए उसको रिटेन कर पाए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं, कोई लेक्चर्स अगर आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें आपके ब्रेन को इंपॉर्टेंट लगती है, पूरे लेक्चर में सारी चीज़ आपको पता नहीं होंगी लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। रीज़न बस इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है और जिसके चलते आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को रिटेन कर लेता है, और उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी भूलती नहीं है। इसके बाद कुछ चीज़ें आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशंस बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई आपको सेक्शन याद करना है या कोई ऐसे नंबर से याद करने हैं तो आपने उसको डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएट कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 8 मंथ में पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए कि जो NPOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो सारी कंपनीज का सेक्शन 8 है, तो इस तरीके से एक नॉर्मल एसोसिएशन आप बना सकते हैं, या कोई प्लेस के साथ में एसोसिएशन आप बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी डेट पे इस प्लेस पे आप गए थे, अब वो डेट आपको याद है, उससे भी आप सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं इसको जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डाउट्स हैं यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल में कंप्लीट वीडियो है, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।